हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल पर, और आज हम बात करेंगे ब्राउज़र्स की। जैसे कि हम सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई स्टडी की है, एक नया एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं किया है दो ब्राउज़र्स के साथ, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट के नए एज ब्राउज़र के साथ। तो उनका कहना ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है वो बैटरी कम लेता है इन कंपेरिजन टू गूगल क्रोम। गूगल क्रोम आपके लैपटॉप की बैटरी को जल्दी ख़त्म कर देता है, और इससे आपका लैपटॉप जल्दी चल नहीं पाता और बैटरी लाइफ भी ख़राब हो जाती है। आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में। ये माइक्रोसॉफ्ट का कहना है, और उनके मुताबिक उनका ब्राउज़र काफ़ी अच्छा है और वो बैटरी कम लेता है, फ्लैश डिसेबल करने के ऑप्शन है उसमें। तो ये उनका कहना है, ये उनकी चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र आपको पता होगा विंडोज़ 10 के साथ आया है। जैसे जैसे विंडोज़ 10 आई, उसके साथ एक नया ब्राउज़र आया जो दिखने में इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा ही है, और उसका जो आइकन है वो भी लगभग इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा ही है। तो बहुत कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, अब मैं अपनी बात बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है, अब मैं ये बताऊंगा कि मेरा क्या कहना है। तो दिखने में बिल्कुल इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा है, विंडोज़ के साथ आता है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बताना चाहूँ, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप दूसरे ब्राउज़र से कंपेयर करना, अपने को अच्छा बताना। जैसे कि आप जानते हैं, हर ब्रांड करता है, मैं किसी एक किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मार्केट में हर ब्रांड ऐसा करते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने लैपटॉप में दोनों ब्राउज़र डाल के देखे, चला के देखे, और सही कारण पता किया कि क्या सही में बैटरी जाती है गूगल क्रोम से। जाती है जल्दी तो क्यों जाती है, और माइक्रोसॉफ्ट एज से क्यों नहीं जाती। जो टेस्ट किए गए बिल्कुल सही टेस्ट हैं, ओरिजिनल हैं, इनके रिजल्ट भी बिल्कुल सही हैं। तो मैंने ये देखा कि जो गूगल क्रोम में हम ब्राउजिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हैं उसमें, ज़्यादा हैवी प्रोसेस हैं, बैटरी ज़्यादा इसीलिए लगती है क्योंकि ज़्यादा रैम यूज़ हो रहा है, ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं। गूगल क्रोम एक बहुत ही पावरफुल ब्राउज़र है, और जब आप अलग अलग टैब उसमें खोलते हैं तो आप प्रोसेस मैनेजर में देखेंगे कि अलग अलग प्रोसेस खुल जाते हैं। हर एक टैब का अलग प्रोसेस होता है, जो काफ़ी रैम, डिस्क यूसेज, बैटरी तो लेगा ही क्योंकि रैम ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज एक बिल्ट इन ब्राउज़र है, विंडोज़ के साथ बन के आता है, तो उसको चलने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उस ब्राउज़र को इसी हिसाब से ढाला हुआ है कि वो विंडोज़ में अच्छे से चल सके। बहुत लाइट वेट ब्राउज़र है, ज़्यादा हैवी ब्राउज़र नहीं है। उसके प्रोसेस आप देखेंगे ना तो बहुत कम रैम यूज़ करता है, ज़्यादा रैम यूज़ नहीं करता है। हालांकि फीचर के मामले में देखा जाए तो गूगल क्रोम अब भी बेटर है और माइक्रोसॉफ्ट एज अब भी फीचर के टर्म में उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं और नॉर्मल वेबसाइट यूज़ करते हैं ना, गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो होती हैं, लोग सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट विजिट करते हैं, थोड़ा बहुत फेसबुक चला लेते हैं, तो मैं कहूँगा आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउज़र है वो बेस्ट है अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और पावर का आपको कोई इशू नहीं है, बैटरी से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो गूगल क्रोम अच्छा है क्योंकि आपके पास रैम अच्छा है और पावर की आपके पास कमी नहीं है, आउटलेट में लगा रखा है, डेस्कटॉप आपका कंप्यूटर है, तो बैटरी की चिंता क्यों करेंगे आप, जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें ब्राउज करते हैं, फेसबुक थोड़ा सा सर्व कर लेते हैं और छोटी मोटी वेबसाइट सर्व कर लेते हैं, तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एज बेटर है इन कंपेरिजन टू गूगल क्रोम। ये टेस्ट और भी ब्राउजरों के साथ मिला के किए गए, फायरफॉक्स और ओपेरा भी इसमें शामिल था, और इनके रिजल्ट गूगल क्रोम से अच्छे रहे। बहुत शॉकिंग बात है ये, लेकिन गूगल शायद अपने ब्राउज़र्स को ज़्यादा पावरफुल करने के चक्कर में ये भूल गया कि लोगों के पास लैपटॉप में लिमिटेड पावर होती है। खैर, ये तो अब वही लोग जाने क्या कर रहे हैं। तो हमने यही पता लगाया है कि गूगल क्रोम बैटरी लेता है, ज़्यादा बैटरी लेता है क्योंकि उसके प्रोसेस काफ़ी हैवी होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जितने प्रोसेस हैवी होंगे, जितने ज़्यादा रैम यूसेज होंगे, उतनी पावर कंजप्शन ज़्यादा होंगे। तो अगर आप फ़ोन में यूज़ करते हैं गूगल क्रोम, सेम केस। अगर आप फ़ोन में मैसेंजर यूज़ करते हैं, फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो बहुत रैम लेती है, तो आपकी बैटरी जल्दी चली जाती है। ये बात आप जानते हैं और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ।
आई होप आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है ब्राउजर से रिलेटेड, पावर कंजप्शन से रिलेटेड, या आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी भी यू नो टॉपिक से रिलेटेड जो टेक का हो, टेक्निकल टॉपिक हो, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।